हाय एवरीवन, मेरे पास आपके लिए आज एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। अपनी हॉरर एनिमेटेड स्टोरीज के साथ साथ मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ऑडियो स्टोरीज सुनाऊंगी। और इस सीरीज का नाम है बेड टाइम हॉरर स्टोरीज, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें रात में कहानियाँ सुन के सोने का शौक है। तो चलें अपनी लाइट्स को डिम कर दें और बेड में कोजी हो जाएं, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए 4 गोस्ट स्टोरीज हैं। ये वाकया फरीद के भाई राहील के साथ 1997 में उस वक्त पेश आया जब राहील की उम्र 16 साल थी और ये लोग लायंस एरिया में रहते थे और आज भी ये लोग लायंस एरिया में ही रहते हैं। एक दिन राहील अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। राहील को इस दिन घर वापसी पर बहुत देर हो गई थी। राहील के मुताबिक वो 12:15 नुमाइश के बस स्टॉप पर उतरा और वहाँ से अपने घर वाकई लायंस एरिया की तरफ पैदल चलना शुरू हो गया। अभी राहील ने थोड़ा फासला ही तय किया था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है। जिस जगह से राहील का गुजर हो रहा था, इस जगह रोशनी बहुत कम थी। राहील ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत साड़ी पहने हुए दरमियाने कद की राहील का पीछा कर रही थी। इस औरत ने राहील के करीब आकर कहा, मुझे ये पता बता दें, यहाँ पर कम रोशनी के सबब राहील को इस औरत का चेहरा वाज़े तौर पर नजर नहीं आया। फिर राहील ने इस औरत से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पता बता देता हूँ। यूं थोड़ी देर तक वो राहील के पीछे पीछे आई और एक मकाम पर जब राहील ने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी और दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था। राहील के दिल में आया कि शायद उस औरत ने ये सोचा होगा कि मैं कहीं उसे किसी गलत जगह ना ले जाऊँ, शायद इसीलिए ये औरत कहीं और चली गई। यूं राहील रात के 12:30-1 के दरमियान घर पहुँचा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब राहील बहुत देर तक सोता रहा तो घर वालों ने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर फरीद ने जबरदस्ती इसे उठाने की कोशिश की, जिस पर राहील ने बड़बड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा। इसके बाद राहील की आवाज कुछ भारी भारी सी हो गई और गर्दन अकड़ गई और साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि घर वालों ने राहील को खाने के लिए उठाया था, क्योंकि राहील ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया था। उठने के बाद भी राहील ने खाना सही से नहीं खाया। पहले तो घर वाले समझे कि राहील नखरे दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है, मगर सब उस वक्त सकते में आ गए जब राहील अजीबोगरीब हरकतें और अजीब अजीब सी बातें करने लगा। कहने लगा, वो दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो वो दरवाजे से अंदर आ गई है, वो औरत सामने टेबल पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है और अब वो मुझे मारेगी। घर के दूसरे अफराद राहील की बातें बड़े अजीब अंदाज से सुन रहे थे और कभी कभी इन्हें राहील की बातों पर हंसी भी आ रही थी। उन्हें ये सब मजाक लग रहा था। सब परेशान थे कि ये औरत कौन है और उन्हें नजर क्यों नहीं आ रही। जब राहील के घर वालों की परेशानी काफी बढ़ गई तो राहील की इस हालत की खबर मोहल्ले वालों तक भी पहुँच गई। मोहल्ले की चंद औरतें देखने भी आईं। इन्होंने राहील को देखने के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि राहील पे किसी का साया हो गया है, आप इसे किसी मौलाना को दिखाएं। लेकिन राहील के घर वाले और बड़े भाई फरीद इन सब बातों पे यकीन नहीं रखते थे। वो मोहल्ले वालों से यही कहने लगे कि आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, आजकल के जमाने में भी आप लोग ऐसी चीजों पे यकीन रखते हैं, ये जरूर कोई बीमारी है और हर बीमारी का इलाज आजकल के जमाने में मुमकिन है। लिहाजा उन्होंने राहील के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने राहील को नींद का इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन पेन किलर्स वगैरह दे दी। इसके अगले रोज अब राहील उठा तो बजाहिर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक खास वक्त पर जब इस पे उस औरत का असर दोबारा हुआ तो राहील की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ते ही राहील उल्टी सीधी बातें करने लगा, कभी कहता कि वो औरत उसे कह के गई है कि वो किसी और वक्त फिर आएगी। राहील के चेहरे पे शदीद खौफ तारी हो गया। जब बहुत कोशिशों के बाद भी कोई हल ना निकला तो फरीद ने राहील के लिए एक मौलाना से बात की। मौलाना साहब ने राहील की हालत देखी, उनके ऊपर कुरानी आयात का दम किया और घर वालों से कहा कि जब भी राहील की हालत खराब हो तो कुरान पाक राहील के करीब रख दिया करें। जब अगली बार राहील की तबीयत बिगड़ी तो घर वालों ने ऐसा ही किया जैसा कि मौलाना साहब ने कहा था। जब घर वाले कुरान पाक राहील के करीब लेकर गए तो राहील की हालत मजीद बिगड़ने लगी। घर वाले बेइंतहा परेशान हो गए थे क्योंकि राहील की तबीयत किसी सूरत संभल नहीं रही थी। फिर फरीद ने सोचा कि राहील को किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फरीद राहील को एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गया। जब नफ्सियाती डॉक्टर ने राहील का मुआयना किया तो उसने बताया कि राहील बहुत ज्यादा खौफ सदा है और जहनी दबाव का शिकार है। डॉक्टर ने फरीद से पूछा कि क्या किसी ने राहील को डराया या कोई धमकी वगैरह दी है।
डॉक्टर की बात तो बिल्कुल सही थी कि राहिल बहुत ज्यादा खौफ ज़दा जरूर था, लेकिन जिस पुरस्रार शय के सबब राहिल पर खौफ दारी था, उस खुफिया शय तक डॉक्टर की रसाई और इलाज मुमकिन नहीं था। डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन फरीद ने अपने भाई को इस्तेमाल जरूर करवाई, पर इनसे राहिल को कोई खास फायदा नहीं हुआ और राहिल की हालत में जरा भी बेहतरी नहीं आई। ये इस खानदान की खुशकिस्मती थी कि फरीद की एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो इस किस्म का इल्म रखते थे, जिसकी बदौलत इन पर असरार असरात और शय से आगाही हो जाती थी। और जब वो साहब फरीद के साथ घर आए और राहिल को देखा, तो उन्हें अंदाजा हो गया कि राहिल के ऊपर बहुत ही खतरनाक असरात हैं। इन साहब ने राहिल का इलाज शुरू किया। इस तरह एक रोज राहिल ने अपने भाई फरीद से कहा कि वो औरत आई थी और कहकर गई है कि 5 बजे आएगी। राहिल ने इन साहब से फौरन रابطہ करते हुए बता दिया कि राहिल ने ये कहा है। इन साहब ने फरीद से कहा कि जब वो औरत आए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद फरीद घर आकर राहिल के पास ही बैठ गया। अब राहिल ने कहा कि वो औरत 7 बजे आने का कह के गई है। फरीद ने फिर इन साहब को बता दिया तो उन्होंने कहा कि मैं मगरिब की नमाज के बाद आऊंगा। लिहाजा वो साहब राहिल के घर आकर बैठ गए। जैसे ही वो औरत एक खास हदूद में दाखिल हो गई, तो फौरन ही राहिल ने बता दिया कि वो औरत अब इस हदूद में दाखिल हो गई है और अब वो औरत घर दाखिल होना चाहती है, क्योंकि इस औरत को भी अंदाजा हो गया था कि कोई अमलात का जानने वाला घर में मौजूद है। वो साहब वहीं बैठे रहे और कहने लगे कि आने दो, हम देख लेंगे। इससे पहले भी इन साहब ने राहिल पर दम वगैरह किया था, मगर अफसोस कि इस औरत ने राहिल का पीछा नहीं छोड़ा था। आज तो इन साहब ने फैसला कर लिया था कि राहिल की इस औरत से जान छुड़ा कर ही रहेंगे। जैसे ही इस औरत की रूह के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, राहिल ने फौरन कह दिया कि वो औरत घर के अंदर दाखिल हो गई है। इन साहब ने अपना अमल शुरू किया और उस औरत को मुखातिब करते हुए कहा कि राहिल का पीछा फौरन छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगा। यूं इन साहब ने बहुत देर तक इस औरत से बातचीत करके वादा लिया कि वो राहिल को दोबारा तंग नहीं करेगी। उस औरत ने कहा कि ठीक है, वो राहिल का पीछा छोड़ देगी, मगर शर्त ये है कि दरख्त के नीचे एक जगह है, उसे इन लोगों को साफ करना होगा। ये कह के वो औरत चली गई। जब राहिल अपने होश में आया और नॉर्मल हुआ, तो फरीद ने राहिल से उस रोज होने वाली तमाम बातें मालूम की कि वो किस जगह उतरा, किस किस जगह से गुजरा और एग्जैक्टली उस रात को उसने क्या किया। जिस पर राहिल ने अपने साथ उस रात होने वाली तमाम बातें बताई और एक बात उसने ये बोली कि थक के उस रात में एक दरख्त के नीचे बैठा था और मेरे पास जितना कचरा था वो कचरा मैंने उस जगह फेंक दिया था। फिर फरीद ने राहिल से कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो। जब अगले रोज फरीद इस मकाम की शनाख्त करने के लिए राहिल के साथ गया, तो वो जगह पहले से भी बहुत गंदी लग रही थी। खैर, फरीद ने इस जगह पर और मिट्टी वगैरह डालकर एक थोड़ी ऊंची जगह सी बना दी और पानी वगैरह छिड़क कर अगरबत्ती जला दी और फिर घर वापस आ गया। इसके बाद वो औरत फिर कभी राहिल को तंग करने नहीं आई। इस तरह फरीद और इनके घर वालों ने राहिल की इस पुरस्रार कैफियत के साथ अपने 10 रोज इंतहाई गर्व के आलम में गुजारे, जिन्हें ये लोग आज तक नहीं भूल पाए। कुछ अर्सा पहले मैं ऐसे घर में रहती थी जिसके पीछे वाले हिस्से से एक हाइकिंग ट्रेल गुजरता था, जहाँ बहुत सारे लोग आके हाइकिंग किया करते थे। एक रात मुझे बहुत ही अजीब सा ख्वाब आया। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आई है, मुझे उठाने की कोशिश कर रही है कि मैं किसी तरह घर से बाहर आऊँ। उस ख्वाब ने मुझे उठा दिया। मैं अपने कमरे से बाहर गई, कुछ पानी वगैरह पिया, फिर कमरे में आके मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया क्योंकि बहुत सर्दी थी रात में, और फिर दोबारा से मैं सो गई। मगर अजीब बात ये थी कि दोबारा वही बूढ़ी औरत मेरे ख्वाब में आई और बहुत प्यार से मुझे कहने लगी कि अपने घर से बाहर जाओ, उठो, अपने घर से बाहर जाओ। मैं ख्वाब में मुसलसल उसे यही कहे जा रही थी कि मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत सर्दी है, पर वो कॉन्स्टेंट मुझे प्यार से यही कहे जा रही थी कि नहीं, तुम्हें बाहर जाना है, बाहर जाके देखो। खैर, दोबारा फिर मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कमरे का पंखा फिर से खुला था। मुझे लगा शायद मैं नींद में पंखा बंद करना भूल गई, या शायद पंखे का बटन स्टक हो गया तो इस वजह से दोबारा खुल गया। खैर, मैंने पंखा दोबारा बंद किया और बिस्तर पे आके दोबारा सो गई। इस बार फिर मुझे वही बूढ़ी औरत दोबारा ख्वाब में नजर आई। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी और काफ़ी गुस्से में भी थी। वो पूरी तरह ख्वाब में मुझ पर चिल्ला रही थी, उठो, अपने घर से बाहर जाओ, बाहर निकलो, बाहर जाके देखो। फिर मैं ख्वाब ही में उठी और उसका पीछा करने लगी
वो आगे आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे पीछे अपने घर के हॉलवे तक पहुंच गई। जैसे ही मैं अपने घर के हॉलवे में पहुंची, वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। फिर घबरा के मेरी आँख खुल गई और मैं ये देख के हैरान रह गई कि मैं असल में अपने घर के हॉलवे में खड़ी थी। ज़िंदगी में आज तक मैं कभी नींद में चली नहीं, ना ही मुझे नींद में चलने की बीमारी है, पर उस रात मैं वाकई में नींद में चल के अपने घर के हॉलवे तक पहुँच चुकी थी। घबरा के मैं वापस अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे का पंखा फिर से खुला था। घबराहट के मारे मैं पूरी पसीनों में भरी हुई थी। अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने के लिए मैं किचन में गई और कुछ खाने की चीज़ बना के अपने लिए लाई और कुछ घंटे बैठ के मैंने टीवी देखा ताकि मैं इस वाक्य को भुला सकूँ। और फिर सुबह के 5-6 बजे मैं बिस्तर पर गई। उसके बाद मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, मगर थोड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अजीब वाक्य हुआ। मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं, ऐसा क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वालों को एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है यहाँ पर, जो काफ़ी अरसे से गुमशुदा थी जब वो हमारे घर के पीछे वाली ट्रेन से गुजर रही थी। शायद उसे कोई हार्ट अटैक आया या स्ट्रोक या कुछ और बेचारी की वहीं मौत हो गई है, क्योंकि उसके करीब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। यहीं हमारे घर के पीछे वाली ट्रेन पर पुलिस वालों को उसकी लाश मिली। जब मैं 18 साल की थी तो मुझे स्केरी मूवीज़, हॉरर स्टोरीज़ बहुत पसंद थी। हमेशा मेरे अंदर एक ख्वाहिश रहती थी कि मैं कोई हॉरर एक्सपीरियंस करूं या कोई ऐसी चीज़ देखूं जो हॉन्टेड हो। इसलिए मैंने अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे ऐसा कोई वाकया हुआ है। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं हॉन्टेड जगहों के बारे में रिसर्च करने लगी। एक जगह मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगी, उसका नाम था स्वीट हॉलो रोड इन लॉन्ग आइलैंड। उस जगह के बारे में काफ़ी अर्बन लेजेंड्स मशहूर हैं और उन सभी लेजेंड्स का ताल्लुक उस जगह के एक ख़ास ब्रिज से है। और ये कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी, पर आज तक किसी को ये रीज़न नहीं पता चला कि उन डेथ्स के पीछे असल वजह क्या थी। एक दिन मैंने अपने कज़न और अपने भाई से कहा कि मेरी फ्रेंड्स और हम सब मिलके स्वीट हॉलोज जाना चाहते हैं, तो वो हमें वहाँ ले चले। वो दोनों भी हॉरर चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और मेरे भाई को नया नया गाड़ी का लाइसेंस मिला था। वो दोनों भी खुशी से तैयार हो गए हमें वहाँ ले जाने के लिए। मेरी अम्मी थोड़ा घबरा रही थी और वो नहीं चाहती थी कि हम सब अकेले बच्चे इस तरह ऐसी जगह पर जाएं, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे तुम लोग जा सकते हो कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। खैर, हमने उन्हें भी साथ ले लिया। फिर फाइनली जब हम उस हॉन्टेड ब्रिज के पास पहुँचे तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि कुछ होगा, हमें कुछ नज़र आएगा, मगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर, ना ही हमें कोई ऐसी अजीब सी चीज़ नज़र आई। तो सिर्फ एक ही अजीब वाकया हमारे साथ ये हुआ कि जब हम उस रोड पे पहुँचे जो कि ब्रिज के पास था, वो बहुत ही ज़िगज़ैग शेप का था। उस रोड पे जब हमारी गाड़ी गुजर रही थी तो हमारी गाड़ी की टक्कर एक दरख्त से होते होते बची। खैर, हम सब ने सोचा कि हमारे ये ट्रिप तो बस ऐसे ही वेस्ट गए, मगर फिर एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ हम सब के साथ। अगले रोज़ जब हम सब सुबह उठे तो मेरी अम्मी ने हमें बताया कि सारी रात उन्हें ऐसा लगा है कि जैसे बिस्तर के नीचे से उन्हें कोई देख रहा था। और दूसरी तरफ हम सारी फ्रेंड्स को, इंक्लूडिंग मेरे भाई और मेरे कज़न को, एक छोटा सा बच्चा ख्वाब में आया जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी और रंग बिल्कुल पीला जर्द, पर हम में से किसी को भी उसका चेहरा याद नहीं। आज भी जब हम उस वाक्य के बारे में सोचते हैं तो हम सबको यही महसूस होता है कि जो बच्चा हम सब ने उस रात ख्वाब में देखा, वो बच्चा ज़रूर उन्हीं बच्चों में से होगा जिनकी उस ब्रिज पे मौत हुई थी। एक रात मैंने अपनी तमाम दोस्तों के साथ नाइट स्पेंड करने का प्लान बनाया। उस रात हम सब बहुत देर तक बातें करते रहे और काफ़ी लेट सोए। उस रात 3 बजे अचानक मेरी आँख खुली और मैंने सुना कि किचन में से दराजे खुलने बंद होने की और कैबिनेट ज़ोर ज़ोर से बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें इतनी ऊंची थी कि मैंने चाहा कि मैं जाके किचन में देखूं कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर मैं उठ के किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्वाइट था और किचन कैबिनेट्स की सारी दराजें और दरवाजे बंद थे। खैर, मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा, तो मैं आके बिस्तर पर दोबारा लेट गई।
जब अगले दिन सुबह मेरी आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरी एक दोस्त बहुत अपसेट थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हुआ? मुझे कहने लगी कि रात में अचानक मेरी आँख खुली और मुझे साफ साफ लोगों के बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, और वो आवाज़ें किचन से आ रही थी, ऐसे जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों कि अब हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब हम इनकी ज़िंदगियों में चले जाएंगे और इनकी ज़िंदगियाँ हमारी ज़िंदगी बन जाएंगी। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मैंने उससे शेयर किया कि मेरे साथ रात में क्या हुआ था। मैंने भी किचन से दरवाजे बंद होने की और कैबिनेट्स बंद होने की आवाज़ें सुनी थी। आज भी जब मुझे और मेरी दोस्तों को ये वाकया याद आ जाता है तो हम बहुत बुरी तरह डर जाते हैं कि वो कौन थे और ऐसा क्यों कह रहे थे। आई होप आपको ये बेड टाइम हॉरर स्टोरीज पसंद आई होंगी। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आई विल सी यू अगेन विद मोर स्टोरीज। अंटिल देन, बाय।